हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेटिंग ऑल। और आपका WBJEE का राउंड 3 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है। होप करता हूँ आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कैसे रिजल्ट देखना है, उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा आपको मोप अप राउंड के बारे में, साल होगा नहीं होगा, और आपका फिर ये भी डिस्कस करूँगा जिन्हें सीट मिली है उनका एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या लेने हैं उन्हें एडमिशन के लिए, और जिन्हें नहीं मिली है उन्हें क्या करना है उनके लिए भी मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले WBJEE रिजल्ट देखते हैं। हाँ, उन स्टूडेंट्स को बताते हैं कैसे देखना है। तो बहुत सिंपल है, WBJEE रिजल्ट आप टाइप कर दो और इस फर्स्ट लिंक पे ही आप क्लिक कर देना, ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके ये आपसे एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, अभी थोड़ा सा स्लो ओपन हो रहा है लेकिन हो जाएगा। तो ये वहाँ पे आपसे एप्लीकेशन नंबर मांगेगा और ये एप्लीकेशन नंबर और आपका वही मांगेगा पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन, तो वो आप एंटर कर देना। तो रिजल्ट आप देखते रहना इसमें आके बहुत इजीली। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ, जिन्हें कोई सीट मिली है तो देखो, अगर किसी को किसी कॉलेज में सीट मिली है, सिलेक्ट आएगी वहाँ पे कि आपको मैकेनिकल इस कॉलेज में मिली है या CS हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, ऐसे लिख के आएगा वहाँ पे। तो और वहाँ पे डेट भी लिख के आ रही है। अब देखो, मोप अप राउंड का थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ। देखो, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि इस साल आपका 2019 में मोप अप राउंड नहीं होगा, नहीं तो अब तक हर साल नोटिफिकेशन आ जाती है और 95% से ज़्यादा और बहुत हायर चांसेस समझ लीजिए आप नहीं होगा, बहुत रेयर केस हो सकता है अगर हो जाए तो, लेकिन लग नहीं रहा है ऐसा नहीं होगा। उस पर डिपेंड आपको बिल्कुल नहीं होना है मोप अप राउंड पे। तो सबसे पहले ये बात क्लियर हो गई। तो मोप अप राउंड नहीं होगा तो आपका जो राउंड थर्ड है वो आपका लास्ट राउंड होना चाहिए। हाँ जी, वो आपका लास्ट राउंड है, यही आप समझ लीजिए। 1% चांस हो सकता है कि आपका हो जाए मोप अप राउंड, लेकिन लग नहीं रहा ऐसा बिल्कुल भी होगा। तो आपका ये लास्ट राउंड होगा राउंड थर्ड, तो इसलिए आपको इतना टाइम मिला है, 20 जुलाई तक का टाइम मिल रहा है स्टूडेंट्स को जिन्हें इसमें सीट मिली राउंड थर्ड में, कि वो अपने कॉलेज जाके एडमिशन करा सकते हैं। देखो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह की आप लोगों को बहुत टेंशन रहती है, डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा सिंपल है यार, आप लोगों को बहुत ईजीली पता चल जाएगा कहीं से भी। सबसे पहले आपको वो प्रोविजनल एप्लीकेशन निकाल के लेके ही जानी है जो आपको सीट जो मिलेगी उसमें से। उसके बाद आपको अपना जो कॉलेज की वेबसाइट है वहाँ जाके आपको डॉक्यूमेंट्स देखने क्या क्या ले जाने, बाकी आप लोगों को पता होगा मैंने वीडियो भी बना रखी है। अगर फिर भी आपको पूछे हैं WBJEE के ही, मैंने उसमें जोसा के बारे में बताए थे, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी जो भी कॉलेज मिला उसकी कॉलेज उस कॉलेज को टाइप करो गूगल पे और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, उस पे जाना तो उस पे एडमिशन प्रोसेस का कहीं कॉलम होगा, वहीं पे आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, लिख रखे होंगे उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्हें कोई सीट नहीं मिली है। देखो, जिन्हें कोई सीट नहीं मिली है उन स्टूडेंट्स के लिए मैं सिंपली कहता हूँ, आप लोग मुझे बताओ अगर आपको कहीं कोई सीट नहीं मिल रही है, अभी तो वेट करो, काफ़ी काउंसलिंग से यार अभी जोसा भी चली रही है, CSAP भी आएगी। अगर आपको कहीं सीट नहीं मिल रही है, WBJEE से कोई कॉलेज चाहिए तो मुझे बताओ, फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको डायरेक्ट एडमिशन्स के जो लोग डायरेक्ट एडमिशन कराते हैं उनका कॉन्टैक्ट वगैरह दूंगा, या फिर ईमेल आईडी या व्हाट्सअप नंबर वगैरह, जिससे आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो अगर आप डायरेक्ट एडमिशन चाहते हो तो। तो ये वो केस है, बाकी आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं चाहते तो अभी वेट कर सकते हो। जो स्टूडेंट चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उनके लिए बना दूंगा। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, WBJEE कॉलेज से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो वो भी बताओ, और इस वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल आइकन प्रेस करके। तो चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।